आर डी शर्मा, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन नंबर 19, टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए, और हमें ये प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये लानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन है हमारे पास टैन इनवर्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर इक्वल टू ए। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले टैन को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा उधर जाके टैन ए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लगेगा यू बाई वी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाहर, हमें करनी है इसकी डिफरेंशिएट, एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्केयर की 2y, और चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स माइनस। अब ये बाहर आ जाएगा u बाहर, अब डिफरेंशिएशन करनी है एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्केयर की 2y, डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय v का स्केयर, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू टैन ए की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है एक्स नहीं है इसमें, ये इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x³, इसको इससे किया, अब इसको इससे माइनस 2x² y डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको इससे 2xy², इसको इससे 2y³ डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसको इससे, बाहर माइनस भी है, माइनस 2x³, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ माइनस लगा के माइनस 2x² y डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद इसको इससे कट लिया, अब इसको इससे कट लिया, अब इसको इससे, और बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x y², इसको इससे करेंगे 2y³ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैंसिल देगा, ये और ये कैंसिल, और कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी नहीं कैंसिल, और ये कैंसिल, ये बन जाएगा, ये और ये सेम है, ये वाला सेम है, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 4x² y डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला सेम है, ये हो जाएगा 4x y² इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 4x² y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x y², ये माइनस फोर कैंसिल, एक एक्स 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 कैंसिल, एक वाई कैंसिल, तो यहाँ बचा एक्स, इसको इसके नीचे ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो गया वाई बाई एक्स, मैंने प्रूफ कर दिया डी वाई बाई डी एक्स आ गया वाई बाई एक्स, ये होगी इसकी एल एच एस। हमें पर प्रूफ करना था ये, तो हम क्या करते हैं, ये भी कंसिडर, ये आर एच एस ले लेते हैं, आर एच एस आ जाएगी एक्स इंटू वन माइनस टैन ए इंटू वाई इंटू वन प्लस टैन ए। अब हम यहाँ पे टैन ए की वैल्यू डालते हैं, टैन ए की वैल्यू थी ये, टैन ए की वैल्यू x² माइनस वाई स्केयर अपॉन x² प्लस वाई स्केयर, तो हो जाएगा x² माइनस वाई स्केयर अपॉन x² प्लस वाई स्केयर, और यहाँ भी डालते हैं, और ये y भी था यहाँ पर, y x² प्लस वाई स्केयर x² प्लस वाई स्केयर, ये डाल दी वैल्यू। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x² प्लस वाई स्केयर, x² प्लस वाई स्केयर माइनस x² प्लस वाई स्केयर। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी एलसीएम, x² प्लस वाई स्केयर, x² प्लस वाई स्केयर प्लस x² माइनस वाई स्केयर, और यहाँ पे y भी था ये वाला, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2y², ये हो जाएगा y 2x², ये 2 कैंसिल, ये x x कैंसिल, ये y y कैंसिल, तो ये आ गया y बाई एक्स, और हमारी एल एच एस भी आई y बाई एक्स, और आर एच एस भी आई y बाई एक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स को, ये प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, गिवन एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1,
इसमें लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करने से इजी हो जाएगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ये बनेगा लॉग एक्स वाई, लॉग दोनों तरफ लॉग लगा दिया इज इक्वल टू लॉग वन। अब ये फॉर्मूला बन रहा है लॉग एम एन का, लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये है लॉग वन, लॉग वन होता है ज़ीरो, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और लॉग वन हो गया ज़ीरो। अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अब हम इसको एक्स पढ़ेंगे, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन अपॉन लॉग एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, अब हमें इसको करना है लॉग एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, इसको इसके नीचे लाते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस वाई, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है एक्स वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई। अब आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी वन, इसको लॉग एक्स पढ़ना है, वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई को कर देना इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाएगा वन बाई एक्स वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अब इसकी होगी वन और इसकी हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ये सेम लिख लेते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इसको इससे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ओ सॉरी कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो बचेगा वन बाय वाई, यहाँ वन बाय वाई और यहाँ पर ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं और इसको भी उधर, माइनस वन बाई एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई इधर ये इधर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल के एलसीएम लेते हैं, एक्स एक्स प्लस वाई, अब ये इधर गया एक्स प्लस वाई और ये इधर जाएगा, माइनस कॉमन निकालिए प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये और ये कैंसिल, अब वाई को इधर और इसको इधर डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ आ जाएगा वाई और ये वाला एक्स और ये इधर आ जाएगा, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 21, इफ वाई इक्वल टू x साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन स्केयर ए प्लस वाई, और ये और ये, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रूफ करें तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, अगर इसको डायरेक्टली प्रूफ करेंगे नहीं होगा प्रूफ, क्योंकि साइन स्केयर नहीं बनेगा, तो साइन स्केयर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको इसके नीचे ले और इक्वल टू x बचा, अब x को पहले लिख लेते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ लगेगा यू बाई वी, साइन ए प्लस वाई बाहर डी बाई डी ऑफ वाई, वाई बाहर डी बाई डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर चाहिए था ना, ये मिल गया ना, ये हो जाएगा साइन
ए प्लस वाई, वाई की डिफरेंशिएशन वन ही हो जाएगी। अब इसकी करनी है साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। अब ए प्लस वाई को करेंगे ए की ज़ीरो, वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं, वाई की वन हो जाएगी और ये ख़त्म हो गया। अब हम इसको रेसिप उल्टा कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई का उल्टा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका उल्टा ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और देखें तो यही प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रूफ करना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्केयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो गिवन जो दिया वो लिखते हैं। अगर इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, नहीं होगा प्रूफ, इसको भी ये भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे साइन स्केयर चाहिए, तो साइन ये प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप इस पूरे को उस साइड ले जाते हैं। ये कर लिया और इसको इसके नीचे ले आते हैं, डिनोमिनेटर में फिर साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, अब प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई से करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। अब ये साइन ए कॉन्स्टेंट है, इसमें वाई नहीं है, तो इसको बाहर रख लेते हैं, माइनस साइन ए बाहर। अब ये और ये बचा, इधर यू बाई वी लगेगा, साइन ए प्लस वाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा इसको करना इस पे वी का स्केयर, साइन स्केयर ए प्लस वाई। अब यह आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस साइन ए, ये सेम आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, इसकी हो जाएगी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ लिख लेते हैं, माइनस साइन ए प्लस वाई, और इसकी करेंगे अब ये विद रिस्पेक्ट टू वाई था, वाई ये गलत लिखा है, वाई है यहाँ भी। अब इसकी करेंगे ए की वन और ए की ज़ीरो, वाई की वन, तो ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई। अब करनी है साइन ए प्लस वाई की, साइन ए प्लस वाई की कॉस ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई की करेंगे तो वन ही आ जाएगा, अब ये बाहर माइनस है ना, इससे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए, ये दोनों मल्टीप्लाई सेम सेम है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको इससे करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आएगा डी एक्स बाई डी वाई, ये बन रहा है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, ये वन हो जाएगा, तो ये वन इंटू साइन ए अपॉन साइन स्केयर ए प्लस वाई। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, इसका उल्टा डी वाई बाई डी एक्स, इसको उल्टा साइन स्केयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये हो गया प्रूफ। नंबर 23, इफ़ वाई इक्वल टू एक्स साइन वाई, प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई वन माइनस एक्स कॉस वाई। तो क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले y दिया हुआ है x साइन y, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dy वाई बाय डी एक्स, यहाँ लगेगा u इंटू वी, x बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन y, साइन y बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स, एक्स साइन वाई की डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर वाई को भी करना है, वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई, एक्स की डिफरेंशिएशन वन हो जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल टू साइन वाई, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, वन माइनस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, इसको इसके नीचे ले आते हैं,
ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन वन माइनस एक्स कॉस वाई, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 24, इफ वाई इंटू रूट एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, प्रूफ करना है एक्स के प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन है ये लिखते हैं, यहाँ पर ये लिख दिया, इसको इसके नीचे ले आते हैं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लगेगा यहाँ पे u बाई वी, ये बन जाएगा dy वाई बाई डी एक्स यू बाई वी, वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस लॉग बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये हो रही कैंसिल। अब हमें dy बाय dx के साथ x स्क्वायर प्लस वन चाहिए ना, तो हम ये वाला x स्क्वायर प्लस वन को इधर ले आते हैं, LHS में ले जाते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वन dy बाय dx, ये सेम आ जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसको log x पढ़ेंगे, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको x पढ़ा था, ये यहाँ लिख देंगे, ये log सेम आ जाएगा। अब इसकी करनी है, ये रूट x है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, फिर हम इसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख देंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी सेम इनटू। अब हमें करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, पहले इसकी डिफरेंशिएशन रूट एक्स है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू एक्स, वन की जीरो, और फिर ये वाला एक्स बचा, इसकी माइनस वन, अब माइनस लॉग ये सेम आ जाएगा, इसके नीचे ये लिख लेते हैं, फिर इसको करना है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू एक्स, ये टू और ये टू कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, ये टू टू कैंसिल, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये सेम लिख दिया। अब यहाँ पे बचेगा ना एक्स अपॉन दिस माइनस वन, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, रूट आ जाएगा रूट एलसीएम, यहाँ बचेगा एक्स और ये इधर चला जाएगा, माइनस लॉग, एक काम करते हैं ये और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, अच्छा पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, लो एक पहले एक्स लिख रहा हूँ, एक्स के प्लस वन माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स के प्लस वन, अब ये हो जाएगा एक्स के प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, ये और ये कट जाएगा, ये सेम लिखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स, और इस पूरे की वैल्यू, ये पूरे की वैल्यू क्या थी, इस पूरे की वैल्यू वाई थी, तो ये हो जाएगा वाई, ये और ये भी कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ वन बचा ना, माइनस वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करते हैं। नंबर 25, इफ साइन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, साइन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे यू बाई वी लगेगा, वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, वी इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू एक्स, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बन जाएगा कॉस एक्स वाई, अब इधर यू इन टू भी लगेगा, वाई एक्स की डिफरेंशिएशन वन, एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई कॉस एक्स वाई, इसको इससे एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये सारा सेम लिख दिया। और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा टू एक्स क्यूब, और ये इधर टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई ये वाले इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तीनों एक तरफ, एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बचेगा ये बचा और ये बचा और ये तीनों एक तरफ, टू एक्स क्यूब, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और जब ये इधर आएगा तो माइनस। अब इन सब में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, लेकिन बचेगा एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब, ये सेम आ गया। अब इसको इसके नीचे तो ये आंसर आ जाएगा, ये सारा सेम लिख दिया और इसको इसके नीचे, ये आंसर आ गया। नंबर 26, इफ टैन एक्स प्लस वाई प्लस टैन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे टैन एक्स प्लस वाई प्लस टैन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सिक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इस पर भी टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और वन की डिफरेंशिएशन ज़ीरो। ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स की डिफरेंशिएशन वन, वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स की डिफरेंशिएशन वन और वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई, इसको इससे सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये बचा और ये बचेगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, ये उधर जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और इसको इसके नीचे ये आंसर आ जाएगा। फिर अब इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, इसको इधर, और ये प्रूफ हो गया, सॉरी फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पर एक्स प्लस वाई, दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है। अब हम दोनों करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो गिवन है हमारे पास ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पर एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये हो जाएगा ई एक्स की डिफ्रेंशिएट ई एक्स, ई वाई की ई वाई, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करें तो डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ भी सेम ई एक्स प्लस वाई की सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ई एक्स ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसकी सेम एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन और वाई की डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा ई एक्स ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इससे, ई एक्स प्लस वाई प्लस ई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों को एक तरफ ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस ई एक्स प्लस वाई, ये माइनस है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिखेंगे ई एक्स प्लस वाई और ये उधर जाएगा तो माइनस। अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ये इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स, इसको इधर ले आते हैं, ये आ गया ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ई एक्स, अंदर बचेगा ई वाई माइनस वन, और इन दोनों में क्या कॉमन है ई वाई, अंदर बचेगा माइनस कॉमन, माइनस भी ले लेते हैं कॉमन, तो पहले बचेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का होगा, तो यहाँ बचेगा ई एक्स और ये प्लस का तो माइनस वन, ये माइनस ऊपर ले जाते हैं, यही प्रूफ करना था पहले पार्ट में, ये देखो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूफ करना था, अब हम ये प्रूफ करेंगे। तो क्या करते हैं, अब हम इसको यूज़ करेंगे, अब हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये था हमारे पास ई रेस टू पर एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स अपॉन ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई। अगर हम देखें ई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ई एक्स प्लस वाई की वैल्यू है ई एक्स प्लस ई वाई, तो यहाँ आ जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई एक्स, ये सेम, और यहाँ पर भी ई एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल देते हैं ई एक्स प्लस ई वाई, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा, इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं ई वाई माइनस ई एक्स माइनस ई वाई, ये और ये भी कैंसिल, ये बचा, इस माइनस को ऊपर ले आते हैं, ये आ गया। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और इसको उधर ले जाते हैं, सेकंड पार्ट में यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 28, इफ कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस केयर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, क्या करते हैं फिट्स, अब हमें यहाँ पे चाहिए कॉस केयर, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नहीं होगा प्रूफ, तो
उस प्रूफ करने के लिए इस कॉस को इधर ले जाते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्स कॉस वाई, ये इधर आएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ लगेगा यू बाई वी, कॉस ए प्लस वाई बाहर, डी बाई डी ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई बाहर, डी बाई डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कॉस वाई की डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो माइनस पहले लिख देते हैं और वाई को करेंगे तो वन ही आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं। माइनस कॉस वाई, कॉस की साइन होती है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन होती है। अब ए प्लस वाई को करेंगे तो ए की जीरो वाई की वन, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, साइन ए प्लस वाई पहले लिख दिया, कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए इज ए प्लस वाई और बी इज वाई, ए माइनस बी हो गया ए माइनस बी पॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो रही कैंसिल। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा डी वाई बाई डी, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही प्रूफ करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स है, लॉग कॉस एक्स बेस में साइन एक्स है, होल इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है और लास्ट में x की जगह पाई बाई 4 पुट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ले लेते हैं y इक्वल टू लॉग साइन एक्स बेस में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स बेस में आ जाएगा साइन एक्स का इनवर्स, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टू टैन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, बिकॉज साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टैन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, एक बेस चेंज फॉर्मूला होता है, बेस चेंज फॉर्मूला वो क्या होता है, अगर हो log a टू द बेस b, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और इसके नीचे बेस e लिख देनी चाहिए, लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ लगाएंगे हम, ये a है ये b है, तो ये बन जाएगा log sin x अपॉन log cos x इंटू, यहाँ भी लगाएंगे log cos x अपॉन log sin x होल इनवर्स इज इक्वल टू टू टैन इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, तो ये आ जाएगा log sin x अपॉन log cos x इंटू log sin x log cos x, ये इनवर्स कर दिया, प्लस टू टैन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों सेम है ना, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा टू टैन इनवर्स x। अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, इसको हमने पढ़ना x स्क्वायर, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2 log sin x अपॉन log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x अपॉन log cos x प्लस, अब इसकी करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब ये बनेगा 2 log sin x, ये सेम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लगेगा u बाई वी, u बाई वी, v बाहर
ये v बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ log साइन x माइनस log साइन x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x होल डिवाइडेड बाय log cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 log साइन x अपॉन log cos x, log cos x, अब हमने इसकी डिफिनेशन करनी है, log x है, log x की डिफिनेशन 1 बाय साइन x, फिर साइन x को करेंगे साइन x की cos x, अब log साइन x वैसे ही सेम, अब इसको करना है log 1 बाय cos x हो जाएगा, फिर cos x को करेंगे माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, और होल डिवाइडेड बाय log cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये सेम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा log cos x, ये cos बाय साइन, cos बाय साइन cot x, log sin x वैसे ही आ जाएगा, फिर ये sin बाय cos tan x, और ये सेम, और ये वाला भी सेम आ जाएगा। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, dy वाई बाई डी एक्स को पुट x की जगह पाई बाई फोर डालना है, एट x इक्वल टू पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा 2 log साइन पाई बाई फोर, log cos पाई बाई फोर, log cos पाई बाई फोर, cot पाई बाई फोर, log साइन पाई बाई फोर, और यहाँ भी tan पाई बाई फोर होल डिवाइडेड बाय log cos पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी डाल देते हैं 1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब log साइन पाई बाई फोर होता है 1 बाई रूट टू, और log cos पाई बाई फोर भी 1 बाई रूट टू होता है, तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा log 1 बाई रूट टू, cos cot पाई बाई फोर 1 होता है, ये भी हो जाएगा log 1 बाई रूट टू, टैन पाई बाई फोर भी 1 होता है, और ये भी होता है 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब ये दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स log 1 बाई रूट टू हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये और ये भी कैंसिल, ये 16 उल्टा हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर प्लस 16, अब यहाँ बचेगा 2 टू ज़ा 4, अब यहाँ पे है log 2 की पावर 1 बाई टू, तो ये ऊपर जाएगी 2 की पावर माइनस 1 बाई टू हो जाएगी, ये हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर बाई 16, अब ये वाला माइनस 1 बाई टू नीचे आ जाएगा, और ये 2 उल्टा के ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आ गया माइनस 8 log 2 32 अपॉन पाई स्क्वायर 16, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वाई रूट वाई प्लस एक्स प्लस रूट वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इसको रूट एक्स पढ़ेंगे, रूट एक्स ये पूरा एक्स, रूट एक्स की डिफिनेशन 1 बाई टू रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स की करेंगे, सेम यहाँ भी 1 बाई टू रूट वाई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स, और सी की डिफिनेशन 0 हो जाएगी। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, ये बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा रूट वाई प्लस एक्स, अब इसकी डिफिनेशन वाई की डिफिनेशन 1 और वाई की डिफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की डिफिनेशन 1 प्लस, ये सेम लिखेंगे, अब वाई की डिफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स और एक्स की डिफिनेशन 1, ये वाला 2 इधर फेंक देते हैं, तो ये 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे,
ये आ गया 1 बाई रूट डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम यहाँ भी इसको इससे और इसको इससे, अब क्या करते हैं इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ये और ये, और इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये जब इधर आएगा तो माइनस का। अब इन दोनों का एलसीएम यहाँ आ जाएगा रूट वाई माइनस एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन, यही सेम लिख देंगे इन टू, ये आ जाएगा ऐसे यहाँ पर भी एलसीएम, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ये और ये कैंसिल। अब इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा रूट वाई प्लस एक्स माइनस रूट वाई माइनस एक्स। जब इसको इधर लाएंगे तो पहले मैं ये लिख रहा हूँ ये और बाद में ये, क्या किया मैंने स्टेप में, ये पूरा का पूरा उठा के इधर लिख दिया, इधर लेके और पहले प्लस वाला लिखा, बाद में पहले ये वाला लिखा फिर बाद में ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज में क्या करेंगे यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, बाकी सारा सेम, ये सारा सेम लिख दिया, ये देखो ये सेम सेम है, ये और ये दोनों सेम है तो होल स्केयर हो जाएगा इसका। और डिनोमिनेटर में बच रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे लगा लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। इसको नेक्स्ट, अब यहाँ पे लगा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए इंटू टू बी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, ये बचेगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। अब ये दोनों रूट सेम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ए प्लस बी ये ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये वाई वाई कैंसिल, ये बचेगा टू एक्स, यहाँ पर ये और ये भी कैंसिल, सॉरी ये नहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुए, ये बचेगा टू वाई माइनस टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉन टू एक्स, ये हो जाएगा टू वाई, ये एक्स बाहर आ जाएगा, रूट रूट से हट जाएगा, अब 2x को अलग अलग कर लेते हैं, ये बनेगा 2y अपॉन 2x, 2x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2x 2x कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यही प्रूफ करना था।